आजमगढ़ जिले में वेतन की मांग को लेकर स्वच्छता गृहियों ने प्रदर्शन किया और चक्का जाम कर विकास भवन का घेराव किया। अधिकारियों के आश्वासन के बाद लोग शांत हुए और चेतावनी दी कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो वह आंदोलन को और तेज करेंगे। बताते चले कि भारत सरकार द्वारा संचालित स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के तहत स्वच्छता गृही जो गांव-गांव में जाकर खुले में शौच से मुक्त कराने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सभी ब्लॉकों के स्वच्छता गृहियों ने वेतन की मांग को लेकर आज कलेक्टरेट के पास प्रदर्शन किया। काफी देर तक चले प्रदर्शन के बाद भी जब इनकी सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने सड़क जाम कर नारेबाजी शुरू कर दी। जाम की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे अधिकारियों के आश्वासन के बाद स्वच्छता गृहियों ने जाम को समाप्त कर दिया। उसके बाद वह विकास भवन पहुंचे और वहां विकास भवन का घेराव कर दिया, जहां अधिकारियों द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया कि 6 फरवरी तक उनका मानदेय मिल जाएगा। स्वच्छता गृहियों का आरोप है कि वह लगातार 6 महीनों से कार्य कर रहे हैं और उन्हें अभी तक मानदेय नहीं दिया गया, जिससे वह भुखमरी के कागार पर आ गए हैं। जबकि 24 घंटे वह कड़ी मेहनत करते हैं, बावजूद इसके उन्हें प्रशासन द्वारा मुहैया कराए गए वाहन भी उन्हें नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग जल्द पूरी नहीं हुई तो वह आंदोलन को और तेज करेंगे। मोबाइल वाले भैया शासन के पॉलिसी का विषय है, ठीक बात जी। इस पे आप लोगों को कोई डिमांड करनी है, ये शासन के पॉलिसी का मैटर है, इसको सारे लोग जानते हैं। इसको डीएम नहीं हल कर सकते, इसको जो है सीडीओ नहीं हल कर सकते, इसको जिला पंचायत राज अधिकारी हल नहीं कर सकते। आप एक अपनी डिमांड बना करके आदरणीय जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय के और 6 महीने से हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग का मानदेय नहीं मिल रहा है और ना हम लोग को वेतन कर रहे हैं। कह रहे थे कि हम लोग की 2000 जो है कि 2018 2 अक्टूबर को ये कार्यक्रम बंद कर दिया जाएगा, तो बताइए हम लोग को रोजगार दे करके एक घर पे बैठा दिया जाएगा। तो जो महिलाएं घर से 5 दिन बाहर निकल के काम कर रही हैं, उनके घर वाले सवाल पूछेंगे, उनके गांव वाले सवाल पूछेंगे। हम लोग एक सवाल बन के बैठ गए हैं, लोग एक बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, हम लोग तो पूरा गांव को पढ़ाते हैं, तो क्या हम लोग का मानदेय नहीं जारी है? जब हम ड्यूटी कर रहे हैं हमको घर छोड़े, सेम में छोड़े, प्रधान की जिम्मेदारी हो या बीडीओ की जिम्मेदारी हो, किसी की जिम्मेदारी हो, हमको सेम रखना। हम अपनी इज्जत बेच के ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। गांव वाले सवाल करते हैं, आप एक अधिकारी हैं तो हमको अधिकारी का पद मिले, हमें परमानेंट किया जाए और हम काम करें, सभी स्वच्छाग्रही काम करेंगे। इसी बात के लिए हम लोग लड़ रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी की जाए। हमारे स्वच्छताग्राही हमारे मित्र हैं, आज करीब 7 महीने हो गए कार्य करते करते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छता का कार्य चल रहा है, बहुत भली भात कार्यक्रम चल रहा है और ये 6 महीने से हम लोग को मानदेय नहीं दिया गया। श्रीमान महोदय, हम लोग 24 घंटा ड्यूटी करते हैं श्रीमान महोदय, जाए गांव वालों को हम लोग खुले से शौच से मुक्ति निजात दिलाने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं और दिन रात हम लोग मेहनत कर रहे हैं। और ये जो CDO साहब है DPRO साहब, हम लोग अपने मानदेय की बात करते हैं तो आश्वासन दे के हमें गाली गलौज दे करके हमें प्रताड़ित करते हैं। कई कई बार कई मरतबा हम लोग आके यहाँ पे चले लौट गए, ज्ञापन सौंपे, 3-3, 4-4 हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं और ऐसी स्थिति आई कि हम लोग भुखमरी के श्रीमान महोदय हम लोग प्रताड़ित किया जा रहा है। महोदय, हम लोग फील्ड में कार्य कर रहे हैं, गांव वाले भी गाली देते हैं, यहाँ भी महोदय आते हैं, ये भी लोग गाली देते हैं। महोदय, हम लोग जो भी बेरोजगार के लिए हम लोग भटक रहे हैं, महोदय हम लोग कहाँ जाएँ? हम लोग श्रीमान महोदय सिर्फ 230 रुपया हम लोग का मानदेय है, यहाँ तक कि हमारे खंड प्रेरक भी भुखमरी के कगार पर आ गए जो हमारे सीनियर हैं। और हम लोग अपने मानदेय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था
कि हम लोगों को बेरोजगारी से निजात दिलाएंगे। आज ऐसी स्थिति आई, हम लोग 7 महीने से कार्य कर रहे, एक रुपया हम लोगों को नहीं मिला महोदय। ऐसी स्थिति आ गई है कि हम लोग आत्महत्या कर लें, लेकिन ये जिंदगी का यह उसूल नहीं है श्रीमान महोदय। मैं चाहता हूँ कि हमारी बात वहाँ तक पहुँचे।